तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेक रूम। आज मैं बात करने वाला हूँ Realme 5 Pro और Vivo Z1 Pro के बारे में। अभी यहाँ पर Realme 5 Pro जो फ़ोन है, यह हमें अगस्त 20 को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो Realme 5 Pro और Vivo Z1 Pro के बीच में कौन सा फ़ोन खरीदें इसके बारे में कन्फ्यूज है। अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन दोनों फ़ोन्स के प्राइसिंग के बारे में, तो Vivo Z1 Pro करेंटली इंडिया में अभी 15,000 रुपीज़ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर Realme 5 Pro जो फ़ोन है, इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भी यहाँ पर 15,000 रुपीज़ बताई गई है। अभी दोस्तों, अगर आप इन दोनों फोन्स के बीच में कौन से फोन को खरीदना है इसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं, तो जरूर से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो आप इन दोनों फोन्स को कंपेयर कर लेते हैं। अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन फोन्स के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर Realme 5 Pro में हमें देखने को मिल जाता है 48 MP का क्वाड कैमरा। अभी जो प्राइमरी सेंसर है, इसमें आपको 48 MP का सोनी MX586 सेंसर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें आपको मैक्रो लेंस, सुपर वाइड एंगल लेंस और एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Vivo Z1 Pro के बारे में, तो Vivo Z1 Pro में हमें 16 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर है, इसमें आपको 16 MP का सोनी MX499 सेंसर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें आपको वाइड एंगल लेंस और एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों का कैमरा आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन दोनों फोन्स के बैटरी के बारे में, तो इन दोनों ही फोन्स में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो Realme 5 Pro में आपको 20W का फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाता है, और Vivo Z1 Pro में भी आपको 18W का फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बैटरी के हिसाब से भी दोनों फोन्स आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और एक बार अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में हमें सेम स्नैपड्रैगन का 712 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। और गेमिंग के लिए जो चिपसेट है काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। और एक बार अगर मैं बात करूं इसके डिजाइन के बारे में, तो Realme 5 Pro में आपको एक वाटर ड्रॉप वाला नॉच देखने को मिल जाएगा, जैसा आपको Realme 3 Pro में देखने को मिला था। और Vivo Z1 Pro में आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और फाइनली अगर मैं बात करूं इसके यूजर इंटरफेस के बारे में, तो Realme 5 Pro में हमें देखने को मिल जाता है कलर वाइज 6 UI, और Vivo Z1 Pro में हमें फ्रंट टच OS देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही बनता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको Realme 5 Pro को रेकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी फीचर्स Vivo Z1 Pro के ही देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर इसका जो कैमरा है वो आपको बेटर देखने को मिल जाता है। तो कैमरा इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है 48 MP का विद सोनी MX586, जो Vivo Z1 Pro से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइन वाला फ़ोन चाहिए, तो यहाँ पर आप Vivo Z1 Pro को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पंच होल डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक वाला फ़ोन चाहिए, तो आप Vivo Z1 Pro को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी के साथ चले दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सपोर्ट करना है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ चले दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।